CAF कानून के तहत नियमों के मसौदे का भारी विरोध हो रहा है। इस विरोध का मुख्य कारण है नियमों के मसौदे में ग्राम सभा के अधिकारों को खत्म होने की आशंका। सुप्रीम कोर्ट की वकील शुमोना खन्ना ने गो न्यूज संवाददाता साधिका तिवारी के साथ बातचीत में FRA कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार और नए नियमों के आने से इन पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से बताया। ये तस्वीरें उड़ीसा के आदिवासियों की हैं, जो CAF नियमों के मसौदे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई आदिवासी अधिकार संस्थाओं ने इन नियमों के खिलाफ सरकार को पत्र भी लिखे हैं। पहले ग्राम सभा कितनी जरूरी थी और ग्राम सभा को क्या अधिकार दिए गए हैं अंडर दी FRA? सी, ग्राम सभा जो है वो नियुक्त की गई है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत। वो जो पेशा की ग्राम सभा है, वो जो एक छोटा टोला या छोटा गांव है उसकी ग्राम सभा है। वन अधिकार कानून के अंतर्गत सेक्शन 5 के अंडर हम ग्राम सभा को पावर दिया गया है कि उनके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर वो उसको कंजर्व, प्रोटेक्ट, मैनेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब उनके गांव का जो ट्रेडिशनल जंगल है उसके ऊपर वो निर्णय ले सकें कि वहां पर किस तरह की देखरेख होगी, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको फ्यूचर जेनरेशंस के लिए किस तरह से संवार के रखना है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और ये प्रक्रियाएँ पिछले 10 साल में कई जगहों में शुरू हो चुकी हैं। आप ऊपर से एक ड्राफ्ट रूल्स बना रहे हैं जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि एक तो ग्राम सभा जो होगी वो आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होगी। वो उसका मतलब है कि आपकी मतलब 4, 5, 12, 13 भी ग्राम सभा मिलके एक ग्राम सभा होगी, वो तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये जो नया ड्राफ्ट आया है इसके तहत ग्राम सभा के अधिकारों को या जो ग्राम सभा की अथॉरिटी है उसको कितना डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है? आई थिंक इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कम्प्लीटली इग्नोरिंग द CAF रूल्स। व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देयर इज अ कम्प्लीट इनविजिबलाइजेशन। So the Village Forest Rights Committee of the Gram Sabha is not mentioned in the draft rules at all. And the Gram Sabha that you're mentioning is again the Gram Sabha at the level of the 14-15 villages together. So this is not the Forest Rights Act at all. So I don't think that it's a matter of diluting the Forest Rights Act. I think it's a matter of invisibilizing the Forest Rights Act. जैसा शुमोना ने हमें बताया कि अब जब सरकार ऐसे नियम खुद ही ला रही है और खुद ही अपने बनाए नियमों को तोड़ भी रही है, ऐसे समय में आदिवासियों की जो राइट्स हैं, आदिवासियों के जो अधिकार हैं, उन्हें सिविल राइट मूवमेंट के तहत या उन्हें प्रोटेस्ट कर ही बनाए रखा जा सकता है?